अब दिल्ली की शाहीन बाग का नजारा बिहार के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल रहा है। बिहार के विभिन्न हिस्सों में सीए, एनआरसी और एनपीआर की लहर दौड़ पड़ी है। इस दौरान आज कटिहार जिला में भी जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड के बैरिया ग्राम में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सभा को संबोधित किए। आज ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि पप्पू यादव भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन की सरकार ने पूरे देश में अराजकता की स्थिति बना दी है। 1300 साल बहुत धर्म के 600 साल बाद उसके पहले हम लोग कौन थे? न हिंदू, न बौद्ध, न इस्लाम, न सिख, न ईसाई, हम एक इंसान थे। भारत में है सेपियन और सेपियन के बाद मेरा जन्म हुआ, सभ्यता का विकास शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ? मनुवादियों ने, जिसके बारे में हमारे मित्र तार सिंह ने कहे, हमला शुरू किया मेरे तहजीब पर, मेरे संस्कार पर। हम आज के लोग थे, मूलवासी, आदिवासी, बिरसा के लोग थे, वाल्मीकि के लोग थे, पेरियार के लोग थे, हम सावित्री के लोग थे, लेकिन हमला शुरू हो गया मेरी संस्कृति पर। हमारे जीने के रास्ते बंद कर दिए गए, हम जीने का रास्ता शुरू किए, ढूंढने लगे कहीं से जो रास्ता मिले, हमें एक रास्ता मिला है दूर जाके, बौद्ध के रास्ते। पप्पू यादव का एक भाई बौद्ध की विचारधारा को अपनाया और अपने जीने के रास्ते शुरू कर दिए। ठीक 600 साल बाद हमारे जीवन में इस्लाम की विचारधारा है, हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा हमला शुरू हुआ और हमने मोहब्बत के साथ मुस्कुराने का रास्ता ढूंढा और पप्पू यादव के दो भाई को इस्लाम की विचारधारा का जो रास्ता मिला। पप्पू यादव का चार भाई, एक पप्पू यादव का एक भाई सनातनी इंसान, सिंधु सभ्यता में रहने वाला एक खून, वो जिसको किसी क्रिएटर ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, किसी एक शक्ति ने पैदा किया हो। शक्ति एक, क्रिएटर एक, ईश्वर एक, मेरा खून एक। जब हमारे जिंदगी पर हमला हुआ तो हमने कई रास्ते, हमें अब के गांव आए, इस गांव आने के 3 रास्ते हो सकते हैं, 4 रास्ता से हम आएंगे, लेकिन भाई एक ही घर का है, खून एक ही है, अलग नहीं है। तो पप्पू यादव का भाई इस्लाम की विचारधारा जाने के लिए तैयार किया गया। विचारधारा थी खून एक। मोदी जी, मेरे खून में फर्क नहीं है। कहा हमारे दास जी, सही में खून को अलग कर सकते हो, कर दो ना। मैं चाहता हूँ इस भारत में भगवान घर घर हुआ, इस भारत में हिंदी और लोकल भाषा का नफरत हुआ, इंग्लिश और हिंदी की जुग चली, मराठा गुजराती का जुग चला, बिहारी बंगाली का जुग चला, झारखंड बिहारी का जुग चला, इस भारत में साउथ नॉर्थ का जुग चला, कश्मीर अलग का जुग चला। हम जात और धर्म से बटे रहे, लेकिन इस मुल्क में हम संविधान की बारी आई तो पूरा दुनिया एक रहे, पूरा भारत एक रहे। हम वहाँ नहीं बटे, हम भगवान में बटे। साउथ का भगवान अलग, पप्पू का भगवान अलग, पप्पू मंडल का भगवान अलग, पप्पू कुशवाहा का भगवान अलग, अलग अलग हो गए, लेकिन संविधान आया तो हम एक हो गए। आप संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, आपकी 2022 में इस भारत के में आप करना चाहते हो जिसकी संभावना बाबा साहब अम्बेडकर को थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो और छतन हिंदू की बात होगी तो समझ लेना दलित, आदिवासी, बिरसा, वाल्मीकि, राम रहीम के लोगों पर हमला होगा, तुम्हारी राजनीति, सामाजिक और आर्थिक तुमको समाप्त कर देगा। यह मुल्क मनुवादियों का है और वो कभी भी नहीं खाता है। इस मुल्क में 28% दलित आदिवासी, 34% अत्यंत पिछड़ा, जिसका यह देश है, जिसका ये इतिहास है, जिसने कुर्बानी दी वतन के लिए, जिसके वतन में सींचा है, वो राजनीतिक रूप से आगे हो। ये लड़ाई है आरएसएस की। आरएसएस नहीं चाहता इस वतन में 28% दलित देश का प्रधानमंत्री हो, नहीं चाहता कोई अत्यंत पिछड़ा इस देश का चीफ जस्टिस हो, नहीं चाहता है कि कोई इस देश का गरीब आदमी
इस देश में जो भी मुख्यमंत्री बने मनुवादियों के पीछे से वो उसके साथ खड़ा हो। मनुवादी पीछे से देश चलाना चाहता है, आरएसएस इस पीछे से देश चलाना चाहता है। ये हमला आप पर नहीं है, ये लड़ाई मुसलमान भाई आपकी नहीं है। आप बेकार इतने घबरा रहे हैं। संविधान कभी भी आर्टिकल 14 में किसी धर्म और मजहब का जिक्र नहीं है। समझिए आप कौन हैं? मोदी जी कौन है पत्रकार जी मुसलमान?